बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ, तो मैं बउआ, ब आउआ आ निकाल बउआ। हाँ हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। सॉरी अबे कैसे नहीं पूछ रहा मैं। सॉरी सॉरी, नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हाँ, मतलब आज जैसे आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था एक सेकंड, स्कूल नहीं ड्रेस सुनो, पहन के? बात सुनो मेरी, इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल, अच्छा, जहाँ पे टीचर ने एक हाँ चूहे को एक पिंजरे में रखा, अच्छा, दूसरे पिंजरे में रोटी रखी अच्छा, एक तरफ और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी, अच्छा, तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा, फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया, अच्छा, दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा, फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। इससे अच्छा क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ हाँ और पर क्या। हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। एक आखिरी सुनो, बहुत जिद्दी, क्या एक मिनट, एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था, बोल। हैं, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। फिर पप्पू को गुस्सा आया, उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, हाँ, पीछे से निकल पीछे गए से निकल गया। फिर वो। पप्पू को बहुत गुस्सा आया, उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, अच्छा लेकिन अरे लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, फिर निकल अरे पागल। का। हेलो हेलो जी, नमस्ते अंकल नमस्ते, कौन कौन जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। तो बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कौन कर रहे हो बउआ? यार? मैं बउआ, एक सेकेंड, एक सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा, चाय, आगे बोल। चाय, चाय कहवा, कहवा, खोलता हुआ दूध, खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना, टिक्की। क्या नहीं, मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी कढ़ाई। कढ़ाई की। नहीं, सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ, तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्णब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे, अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? गरम, मैं तेरी जी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। ठंडे बस बहुत गर्मी आ गई। जाएगा जिगर, बोलिए जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला, बस गरी फोन रख। है, काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएल जी का अमरीश पुरी, राजनीति, आजकल वो भी गर्म है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ, आप हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से?
हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे एक मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो एक मिनट दे दो। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे, तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात यही कह रहा हूँ। सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे। कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है, मजा आया ना। ठीक है, एक जमाने हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी मेरा क्या लेने देना? फोन काट, गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ इज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नो वेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताए ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहराव नहीं, अच्छा सॉरी। आखिरी भाई, एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना छीछी बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो मर, सुनिए सुनिए, एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे, जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से नहीं कुछ दिमाग में भाई साहब? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट, आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अंकिल बउआ बोलो, नमस्ते। हेलो हेलो, यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा? मैं कह रहा है, बाड़ी बरसी खटन गया सी, खटके ले अंदर तिल। हेलो, मैं कौन से बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल? हाँ हाँ बोलो। आप रोहित की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोलो। तो आपका लास्ट थ्री डिजिट 763 है ना? हाँ हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गया सी, खटके ले अंदर लहंगे, 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो, हम थोड़ा अलग हम थोड़ा अलग। कोई नई स्कीम लगाई है क्या? नई स्कीम नहीं है भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा भाई साहब। हाँ, बाड़ी बरसी खटन गया सी, खटके ले अंदर छाता, 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? बाड़ी बरसी खटन गया सी, खटके ले अंदर छोले, भाई साहब प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज तो सुन, क्या कह रहे आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल सुबह सुबह गलत काम कर, बस बाड़ी बरसी खटन गया सी, खटको थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रही हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। फिर बाद में अगर और में से ड निकाल दो तो हो जाता ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते, ओ सो क्यूट। लोग ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग
सीटें खरीदती है 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और और, तो और पैसा और पैसा। तो देखो एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन और जब तू कहेगा ना और तो फिर और समझ गया, ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब। और का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने में बजाते रहो। और हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं, भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले, कौन है तू, खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा, कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ? मैं भी तेरे को दो ऑप्शन देता हूं। हाँ तोड़ू या तेरी तोड़ू। आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं, तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 FM बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो, हाँ जी आपको आवाज आ रही है? भाई साहब अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलो। ये कह रहा था मैं कि दिवाकर दास जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा। उनसे हाँ, फेसबुक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, हैं? लेकिन बाइक पे अमूमन आप हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है हाथ। एक्सीडेंट नजदीक के दूर देख के थोड़ी होता है, आप कुहनी में हेलमेट बांधते हैं, कुहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट लगा, नहीं सुनो जरूरी है, पॉइंट पे आओ। क्या हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहां स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो, स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया, इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब, ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी ना जब। गलत नहीं बोल रहा भाई साहब, खुद आंसर है। लास्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो हेलमेट लगाते रहो के भाई। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बहुआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुँह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का? हाँ अप्रैल चल रहा है। एक अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं, पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। बता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो मैं कैसे, सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ एक तारीख को बना के लोग बोलते अप्रैल फूल बनाया तुमको बूढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप? अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तो ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला क्या।
ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके। अच्छा सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ, और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ आ जाएगा। ये उतने सही नहीं था क्या, तेरा रिएक्शन बड़ा बढ़िया आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक और, मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरा, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा, मैंने राइट वाले भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे, सुन तो बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? बता। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड, गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोले छोड़ दो भगवान छोड़ दो। इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात करता है, पान मसाला खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए निकाले गए। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे, काट दे। काट दिया? नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा, घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो अखिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं। तो मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बढ़ाता है क्रोध, आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, तेरे को भी आता होगा थोड़ा थोड़ा, आता है? बहुत कम भाई। वो जो कम भी आता है ना, तू आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मेरे, मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना, जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें, तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना, तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ भाई, कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे, निकाल दे, फोन रख दे भाई, फोन नहीं, निकाल दे। हेलो, बरसात की कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम, सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन, सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत कपा, ऑफिस जाने दे भाई, ट्रस्ट कर ले, तू आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 सुन, मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम, अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार, तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को, क्यों बंगार में गुस्सा 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 करे जा रहा है? देखा आ गया ना, क्या देखा, गुस्सा आ गया ना, बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना मेरे पे, गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया लेगा, पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना, गुस्सा नहीं बोल रहा है, कहाँ से निकालूं मैं, वो गुस्सा है ही नहीं, तो ये क्या है, ये क्या है, निकालना है, लास्ट मौका, दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी छोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है, अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है, इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहे, जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नहीं बउआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बउआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं, 2 मिनट, दो प्लीज सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं, हाँ जी, कि कितनी? 50 है ईंटें जिससे घर बनता है, हाँ जिससे घर बनता है, ना 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 ईंटों से घर नहीं बनता है, और किससे बनता है, ईंटों से बनता है यार, पागल, ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है, बहुत है मैं, नहीं नहीं
सुन, अगर मेरे पास 50 ईंटे हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है, 49। 49, वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। ओ एक सेकंड, मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरण को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा, हाँ जी, जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा, हाँ जी, उसको निकाल के हिरण रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड, तुझी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी छोड़ दूंगा। ना, एक सेकंड। अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है, हाँ, तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई, कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को, क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात सुनो, एक और सुनो, एक और सुनो, एक सेकंड। अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, बउआ बल्ले अंकिल नमस्ते 93.5 FM बजाते रहे, रेड बोलने में जजीब लड़बड़ा गई। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई, बहुत कम आवाज आ रही है। कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर? तो सुन तो रहे ना तेरे को, दिमाग मत चाट, चल। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, पास आके बात कर ले, दिमाग सुबह सुबह का टाइम है। देख, गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू भी मैं बता दूंगा, क्या होगा, पास आके बात। हेलो, क्या गंदा? एक सेकंड, आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ, अब नहीं। आप गलत क्यों? गलत क्यों बोल रहे? गलत गलत, मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। फोन किसने किया? नहीं, आप पहचानते हो नहीं, बना जान पहचान के हो? नहीं पहचानता। हाँ, तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप? सुबह सुबह दारू पी के बैठे गए अबे। और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती, कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूँगा? अनजान से ही करूँगा ना। हेलो, फोन रख, चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था, भाग जा यहाँ से। लगता है रख दिया। रखा नहीं, ये भी तेरी ठीक है, भाग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है 93.5 रेड एफएम पर, बजाते रहे अंकिल, उचित दूरी बनाए रखें, बउआ नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन तो भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ, बोलोगे तो लग गया ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा। अरे बोल, बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बच्चे अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है, तो ये बताया रहा है। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा, तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई। तो बता दे, बता दे, माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों? मैं बताता हूँ, राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे, वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं, सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का भाई साहब एक सेकेंड, ये रॉकेट जला दूं हवा में जाने आसमान में।
हेलो कौन बोल रहे हैं? बउआ भैया बी फोट बउआ रॉकेट चल गए। कहाँ जा रहा है रॉकेट? आसमान में जा रहा हूँ तारे तोड़ने। तारे तोड़ने? हाँ आसमान में कहाँ जाना है जल्दी बताइए रॉकेट। अब इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है पागल? बताइए जल्दी कैसे तोड़ेंगे रॉकेट से तारे? अपना रॉकेट बुझा दीजिए बता रहा हूँ। रॉकेट बुझाऊं? हाँ रॉकेट बुझा दे। रॉकेट अगरबत्ती थोड़ी जो कड़िया बुझ जाएगा। एक मिनट हाँ एक मिनट बुझ गया। हाँ बोला बुझ गया। तारे किस लिए तोड़ने जा रहे हो? हाँ किस लिए ही तोड़ आई मीन किसके लिए ही तोड़ने जा रहा हूँ? किसके लिए? किसके लिए? कोई तो पूछ रहा हूँ किसके लिए। जी मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है तारे तोड़ के लाओगे तो किस दूंगी। किसके लिए? किसके लिए लेने जा रहे? हाँ जी। ओह बहुत बड़े प्रेमी हो है? ओ, बहुत बड़े प्रेमी है। प्रेम करते हैं पर प्रेम चोपड़ा नहीं बनते। अरे तुम दो तीन मेरे लिए भी लेते आना ठीक है। अब बताइए ताड़े कहाँ मिलेंगे? ताड़ा ताड़ा आसमा का है। आसमा का? हाँ। पर आसमा आंटी ने तो रफीक अंकल से शादी की। दूसरी शादी कब करी? अबे आंटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। आसमा मतलब गगन नभ समझा? समझ गया। क्या समझा? आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है गगन नभ आकाश। हिंदी के साथ हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। सुना है हम इंग्लिश उठा के पटक देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं बोल रही है आप गलत बात का। ताड़ा तोड़ना आप मुझे तोड़ दे। तुम्हारा ताड़ा नहीं तो हम तोड़ेंगे। नहीं वो नहीं तोड़ सकते आप। ताड़ा तोड़ के लाएंगे। रॉकेट जल रहा है। रॉकेट जल रहा है ये देख। कहाँ गया ये रॉकेट? कहाँ गया पलट के देख। रॉकेट गंदी बात नहीं मैं रख रहा हूँ बाय। क्यों रख रहा? हेलो हाँ जी नमस्ते अंकल। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, चलो बोल। किसी का फोन आ रहा है मेरे को एक सेकंड। हवा हवा है हवा खुश बोल। हेलो हेलो नहीं नहीं दूसरे फोन पे आया है एक सेकंड। अच्छा सर लो बेटा। हेलो हाँ 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 हेलो हाँ 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 नहीं हेलो तेरा नाम क्या है? हाँ एक हाँ बउआ बोल रही हूँ एक सेकंड होल्ड कर दिया आप। हाँ भाई मेरे को फोन लगाया पहले मेरे से तो बात कर ले। दिमाग मत कर चल फोन। सॉरी हेलो हाँ हेलो मैं वो रखने ही वाला था कि आपने काट दिया। अरे तू मेरे को फोन लगा के किसी दूसरे से बात कर तो काटूंगा ही ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे। सॉरी एक मिनट फोन आ गया उनका। हाँ यार हाँ नहीं नहीं नेटवर्क कट हो रहा। हाँ 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 ऐसा नहीं कि मैं क्या काम है जल्दी बोलना। मेरे कान यहाँ भी लगे हुए हैं। दूसरे से बात कर बना रहे नहीं एक सेकंड रुकिए बस हो। हाँ एक सेकंड रुकूं कौन है तू कितने क्यों रुकूं मैं। हाँ 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 दिमाग खा रहा है। बोल गए के बच्चे। हाँ 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 काम मर गया बोलो। हेलो हेलो क्या हाँ हाँ कर रहे हैं आप कब से? अरे वो लड़का कौन है तुम्हारा ऐसा फोन करके हाँ हाँ करे जा रहा था। उसी खराब कर दिया है। उसी लड़के ने बताया कि आप बेकार में हाँ हाँ करके चिल्लाते हैं। अरे मैं कोई नहीं चिल्ला रहा था वो बड़ी देर से हाँ हाँ करे जा रहा था तो मैं परेशान हूँ उसे उल्टा बोल रहा था। उल्टा बोल रहे थे जबान लड़ा रहे हो। एम्बुलेंस भेज रही हूँ 5,000 रुपए में ट्रीटमेंट हो जाएगा आ जाना। किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ हाँ की बीमारी है तुम्हें? हाँ। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा करते हो बेकार में परेशान कर रहा था। चिल्लाते हो तुम गुस्सा करते हो। अरे नहीं करता मैं यार। करते हो? नहीं करता। तो एक सेकंड रुको फिर। क्यों रुकू मैं? नहीं मैं बहु हेलो हाँ एक सेकेंड। हाँ हेलो पागल का बच्चा क्या दिमाग खराब कर रही हो? हाँ मैं डाल दूंगा पागल के बच्चे। चल फोन रखा फोन। हेलो बीमा ले जाओ आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ बीमा बेच रहा हूँ आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है सुन तो लो दो मिनट। नहीं सुनने नहीं सुनने कट दे नहीं सुन ये तो काट दे। अच्छा बोल अच्छा बोल तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सर
सुनिए मैं कह रहा हूँ, आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमा में ऐसा कौन सा है? कौन सा दिल्ली में मिलता है ऐसा? क्या करे बीमे दिल्ली, ओ दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। क्या है हमारी कोई शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। आओ आओ आगरा का बीमा। पागल एक सेकेंड मजबूर कर रहा हूँ, कट रहा हूँ, मैं बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर दिया। अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई, आगरा का बीमा है। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुने नहीं है क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं, वो आगरा है। आगरे हो, हो। आगरा आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, का बीमा आगरा का बीमा। और साले फोन तो अपने उस चीज का बीमा नहीं होता है। एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। ये कौन? ये डांट रहे मुझे। क्यों डांट रहे आप? मैं तुझे बता रहा हूँ, जो तूने हरकत करी है, कोई बाल सवाल दूसरे घर का लड़का होता। अच्छा, मेरा लौंडा नहीं होता। अरे क्यों लौंड? पेड़ पर टांग देता उल्टा। भाई साहब हेलो। हेलो। सबसे पहले तो टीचर की कितनी वैल्यू होती जीवन में? टीचर की? हाँ जी, बहुत वैल्यू होती है। वो छोड़ो, ज्ञान चक्षु खोलते और मेरे पापा मुझे शू से मार दे। उसने ज्ञान चक्षु खोला, ये शू से मार, मतलब क्या चक्कर क्या है? कल जाके उसके टीचर के बाप का नाम बदल के देखना। बट नहीं, आप बताना कैसे लगता है। हेलो भाई साहब, आप ही डिसाइड करो। हेलो भाई बोल। आज जो पुरस्कार मिला मुझे यानी बउआ को, तो प्रिंसिपल ने, टीचर ने सबके सामने बड़ाई करी मेरी कि ये कमाल का बेटा है। यही तो बकवास है, कमाल का बेटा है। हाँ, इसलिए मैंने अपने पापा का नाम अपने नाम का से काट के कमाल लिख दिया, क्योंकि मैं कमाल का लड़का हूँ, है कि नहीं? अबे वहाँ ज्ञान चक्षु खुलवाने का था, क्या खुलवाने का था? कमाल का मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा है। अच्छा, क्रिकेटर सचिन भी कमाल का क्रिकेटर है। कमाल का है या इंडिया का है? मतलब सारे मेरे लौंडे हैं, कमाल में हूँ तो नहीं? उनका छोड़, अपना बता तू, क्या क्या अभी सिचुएशन, क्या क्या पिट रहा है तू? हाँ, मार गई है तो पिट ले साले, तेरे जैसे पिटने लायक है। वो बेटे, हाँ जी, ये प्रिंसिपल जो है। हाँ। क्या ये योजो की फैन है? ओह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो हंसड है अपनी कदी तो फिर भी हंसी। अगर यो यो की फैन है तो फिर उसने कमाल बात ठीक कही है। नहीं, पर गाने तो कॉलेज में बन है। अच्छा, आपने बाप से बात करा मेरी? हाँ जी, बात करिए। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। अरे भाई साहब, क्यों मार रहे हैं लड़के को? मेरा इस टाइम इतना दिमाग खराब है, मुझे जूते के आगे मुंडी चाहिए। आप ले आओगे, इसे छोड़ दूंगा। आप आ जाओ, फिर तो मार ले यार इसे। कमाल कौन अंकल? अरे बाप बेटे दोनों के जूते मारूंगा। भाई सॉरी अंकल, तू भी कमाल का बेटा है। तेरी मेरी नहीं, कुछ नहीं। हेलो, बेवकूफ कहाँ कहाँ चले आते हैं? हाथ आने छोड़ूंगा नहीं मैं एक एक को। अच्छी, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने आओ। नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? किसको जान रहा है? कौन है ये? कौन? ये त्यागी साहब चिल्ला रहे थे। कौन त्यागी? मैं उनके घर की घंटी बजा कर बार बार भग ले रहा था। मेरा क्या लेना देना? मेरा लेन देन यार, वो छोटा भड़केंगे, हम दोनों मजे लेंगे यार। मुझे ना लेना कोई मजे, तुम मुझे क्यों ले रहा है जबरदस्ती? सुनिए एक सेकंड, मैं और एक बार घंटी बजा रहा हूँ, फोन ये कोने में रख रहा हूँ। भागो भागो, पता नहीं कहाँ फोन लग गया साला। पारा है सामने, तोड़ के रख दूंगा हाथ पे, मैं तोड़े तेरे हाथ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने, कौन है ये? ओ, दरवाजा बंद कर। हेलो, अबे तू भाई कहाँ भाग गया? कौन कहाँ फोन लग के भाग गया तू? जी रे बउआ बोल रहा हूँ। क्या बोला त्यागी जी ने? अरे त्यागी ने बोला फट साले। दादाजी। हाँ बोलो बेटा। बउआ आज हाथ पकड़ लो, इधर आओ इस रूम में। हाँ इधर ले जाओ बेटा। हाँ, हाँ जी हेलो अंकल, एक सेकंड, इधर औंधे मुँह लेट जाओ। औंधे मुँह लेट गया बेटा, पाइल सुहा ना, औंधे मुँह लेटो।
हेलो हाँ जी कहा गैस पास कर दिया आप किससे बात करनी है नहीं मेरे दादाजी है उनको लिटा रहा था एक सेकंड रुकिए बात किससे करनी बात आप करनी है यार बहुआ बोलने सुनिए मेरे दादाजी ना जो भी सवाल पूछो ना फोकट में भटक जाते हैं बूढ़े लोगों की हाँ गुस्सा बेचारे गुस्सा करते तो मेरे को बहुत हंसी आती है तो इसमें मैं क्या करूँ आप भी इस हंसी का मजा लो मैं जो बता दे अरे हेलो मुझे कोई मजा मजा नहीं है फोन नहीं एक सेकंड सॉरी दादाजी हाँ बेटा ये पंखा चल रहा है हाँ बेटा पंखा तो चल रहा है फिर अभी तक कहीं पहुंचा क्यों नहीं चली रहा है बस बेटा छत पे चलता है अच्छा छत पे बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू साले तेरा दादा यार निकल लिया नहीं अभी है मैं बहुआ बोल रहा दादाजी बेटा हम लोग क्या पांच ही लोग रहेंगे जीवन में हमेशा परिवार में ना बेटा मैं मम्मी पापा गुड़िया और आप नहीं तेरी शादी हो जाएगी छह हो जाएंगे बहू छह हो जाएंगे बहू आ जाएगी हेलो छह लोग कैसे गुड़िया की भी शादी हो जाएंगी तब तो पांच ही हो गए तेरे बच्चा भी तो पैदा होगा बच्चा होगा हाँ तो छह हो जाएंगे छह हो जाएंगे लेकिन आपकी भी तो उम्र होगी आप भी तो चले जाओगे मैं नहीं कहीं भी जा रहा क्या दादा आवाज नहीं जाओ ये तेरे को कौन सिखा रहा सिखाया नहीं जब मम्मी पापा के बीच में रात को सोता हूँ तो उन लोग खुसुट फुसुट करते हैं मेरा बेटा मुझे मारना चाहता नहीं बेटा नहीं बहू बहू मुझे मारना बहू नहीं वो तो चाह दिए कि बस आप खुद ही चले जाओ मैं कह नहीं जा रहा प्रॉपर्टी का चक्कर जी नहीं है एक सेकंड दादाजी बोलो बेटा अगर दो आदमी बात कर रहे हैं और कोई तीसरा बाहर वाला फोकट में मजे ले रहा सुन रहा है तो उसे क्या कहते हैं बेटा उसे चूस है गधा कहते हैं चूस दादाजी हेलो कौन हेलो हेलो हाँ कौन है अरे ट्रंक कॉल थोड़ी है धीरे बोलो ऐसे सुनाई दे रहा है अरे कौन है कौन बउआ बोल रही हूँ नमस्ते अंकल कौन बउआ बउआ एंड बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं ओ वाइस प्रेसिडेंट मैंने खड़ी करी है कंपनी तूने खड़ी करी है हाँ तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे प्रेसिडेंट होता ना नहीं नहीं इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है WISC वाइस तो ज्यादा पढ़ा लिखा है हाँ और क्या काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने काठमांडू में DPS से और क्या हाँ वहाँ भी DPS है तेरे बाप ने बनाया होगा ए तू काठमांडू गया है नहीं मैं तो नहीं गया तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं जितना बोल रहे उतना मान ले समझा ठीक है फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होके भी यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे तू भी कहीं नौकर होगा तेरा बॉस जानता है तुझे नौकर होगा तेरा बाप मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ बाबा सर मैं आई कमेंट एक सेकंड मेरे एम्प्लॉय आ गया कमेंट सर पानी पियेंगे हाँ रख दो यहाँ पे ये कौन आ गया ये सबर है मीडिया काम करता है सबर से काम लेता हूँ मैं सबर से काम लेता हूँ एम्प्लॉय है मेरा अच्छा भाई और इसके बारे में सब पता है मुझे कल ही अस्पताल से आया अभी ठीक हूँ सर जाओ अब जाओ तुम ओके तो क्या हो गया था अस्पताल में सीढ़ी से गिर गया था सबर टूट गया था ये लोग खानदानी अमीर हैं खानदानी अच्छा खानदानी अमीर हाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं किसके सबर के जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबर का फल मिलता है ऐसा कान पे रपाटा पड़ेगा जो जाएगा कर रहा है दूसरे एम्प्लॉय आया है आज अंदर जाओ बउआ सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर कौन है भाई हिम्मत हिम्मत से भी सबर से भी हिम्मत से भी बेचारे डो आपको तो सब पता जाओ 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 तो ये हिम्मत रोक रहा है कल इसका 100 मीटर का डेस था हिम्मत हार गया मैं कह रहा हूँ मेरा सबर का बांधा का टूट गया ना तो क्या करेंगे आप मैं तेरी फिर मेरी क्या मैं तेरी ऐसे ही नहीं टूटती वो चीज सीमेंट से बनी है ये जल्दी टूटेगी नहीं कौन कौन सॉरी हेलो अंकिल नमस्ते नमस्ते कौन बोल रहा है एक सेकंड आप ये नहीं वो आ जाएगा बाबू अरे कौन बाबू कहाँ आ जाएगा हेलो मैं बउआ बोल रही हूँ मेरी माँ तड़प रही है रो रही है अबे तो मुझे क्यों फोन किया मेरा छोटा भाई मेरा बेटा क्या हो गया उसको उसको गुंडे उठा के ले गए दुबई से भाई आए थे तो क्यों ले गए क्या कर दिया उसने ऐसा वो तो ठीक से सुसु भी नहीं कर पाते वो क्या करेगा मेरे क्या चाहता भाई ले गए तो मेरी गलती हो गई तूने क्या गलती की
माँ किचन में काम कर रही थी, छोटा भाई रो रहा था, माँ ने बोला अपने छोटे भाई को उठा ले। फिर? बस मैंने सोचा मैं क्यों उठाऊँ, प्रोफेशनल लोग को बुलाता हूँ जो उठाने में अच्छा करते हैं। क्या पागल है क्या? गुंडों को बोल दिया, 10,000 रुपए भी दे दिए कि आओ भाई को उठा लो। तेरी माँ ने उठाने के लिए बोला था। मेरी का गलती है। और किसकी गलती है? एक सेकंड रुकिए, माँ आपसे कुछ कह रही है। उसे तो हमारे घर में मातम मनवा दिया था। मातम? मातम क्यों मनवा दिया था? यार मैं ट्रेन में जा रहा था। मैं भी बताना। हाँ, मम्मी नीचे वाले बर्थ पे सोई थी, मैं सबसे ऊपर वाले बर्थ पे। अबे तो मैं नाचू, मातम क्यों मनवाया ये बता। हाँ उसमें तो आ जाऊँ, पापा बीच वाले बर्थ पे थे। फिर ताऊ जी का फोन आया कि पापा से बात करो बउआ। जब मैं बीच वाले बर्थ पे देखा तो पापा नहीं थे। तो कहाँ गए पापा? मैंने ताऊ जी को वही बोला कि पापा हमारे बीच नहीं रहे, पापा टॉयलेट गए थे। हाँ तो टॉयलेट गए थे तो तूने बोल दिया पापा बीच में नहीं रहे, पागल है। तो बीच में ही सोए थे, बीच में नहीं रहे बोला मैंने। और बोलो मातम की तैयारी कर दी, मेरी का गलती है। अच्छा बताइए मेरा भाई वापस कैसे आ गया? हेलो मेरी क्या कहा गया? ये क्या कर रहा है आप? इन बोले जल्दी बोल, तो फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहे। गधे के बच्चे ऐसा मारूंगा ना ऊपर से नीचे। मेरी मम्मी, हेलो मेरा भाई चला गया। हेलो हेलो, कौन बोल रहे? नमस्ते अंकिश। कौन बोल रहे भाई? जी मैं बउआ बोल। आवाज ठीक कर रही थी? आवाज थी ऐसी आवाज है, ठीक क्या कर दूं, ठीक कर लूंगा तो फिर ऐसी हो जाएगा। हेलो हेलो, फिर तो ऐसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ए रौनक तू बाद में। ठीक है यार तू ही कर ले। हाँ अबे बीच में आदमी को आ रहा बार बार। बाद में एक बार आया था वो, अब नहीं आएगा वो आवाज। हेलो गंदा बोल काट दे। भाई काम बोल यार, क्यों फोन कर रहा है भाई? मैं बउआ बोल रही हूँ। तो क्या तुम बउआ बोल रहे हो? ये बीच में आवाज क्या आ रही है तेरी? कौन सी? ये वाली? हाँ ये आवाज क्या आ रही है, किस चीज की आवाज? यही वाली। हाँ भाई तुम इन्हें भाई। हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है भाई, ढंग से फोन नहीं काटी। सुन मैं कह रहा हूँ मेरी हर बात लीक हो रही है। लीक हो रही? लीक हो रही? हाँ यही तो है। लीक हो रहा है? जब लीक होता है तो ऐसे लीक होना नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तेरे बीच छोड़ रहा है। ये लीक होना नहीं होता है? नहीं। तो क्या होता है लीक होना? लीक होना जैसे तू तो किसी को कोई बात बोली, बंदर आगे जाके तेरी कोई बात आगे बोल दी, उसे कहते लीक होना। अच्छा ये लीक होना होता है? हाँ ये लीक होना होता है, समझा? लेकिन फिर भी ऐसी आवाज क्यों आ रही है? अरे ऐसी क्यों आ रही है? क्यों? तो मैं क्या करूँ? नहीं ये लीक बंद कैसे होगा? ये लीक पता कैसे बंद होगा? कैसे? बंटा होती है ना बंटा, बंटे की बोतल। हाँ बंटे की जो गोली होती है ना, गोली जो होती है उसको अपने उसको अपने अपने बढ़ाया नहीं। हेलो आपकी भी बात लीक नहीं हो रही है क्या? वो गोली आपने भी? सॉरी चुप, गंदी बात नहीं, फोन काट दूंगा मैं। फोन मैं काट दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं नहीं काट सकता। आई एम कटिंग द फोन डाउन। हेलो हेलो। हाँ जी तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या 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 कह रहा था। अच्छा, बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर ये तो मुहावरा है, मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया अभी, लड़का भेजा डंडी फुड्डा के यहाँ पहुँच रहा है खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना टेड़ से तो बड़ा ही है डंडी फुड्डा। अरे चल
सॉरी एक सेकंड, बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाटा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे। छोटा होगा तेरा बाप को सचाएगी ना, जुबान जुबान नहीं तुझे याद आएगी। अरे मेरे भाई, तू मुझे क्यों इसको मारते क्यों लोग? इसको मार दो लोग, दो दो मारे सामने, मुझे क्या लग रहा है? तू ये नहीं पूछ रहा कौन नहीं है? चल बता कौन नहीं है। कौन? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है श्रीमान, जिन्हें लोग बोलो पूरी दुनिया, तुम मैं ये जहान तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिस्टर गप्पे के नाम से जानती है। जा तेरी। एक सेकंड, गप्पे मारते हैं लोग। तू पागल है? आपने नहीं मारा गप्पे? अबे वो गप्पे की औलाद, मारूंगा। तो एक सेकंड रुकी, गप्पे को तो लोग सिर्फ मारते हैं, उसके छोटे भाई को तो सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारता है। वो क्या है बता जल्दी? गोल्ड गप्पे नहीं मार।